नमस्कार, जियोजेब्रा में थ्योरम्स ऑन कॉर्ड्स एंड आर्क्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए सक्षम होंगे। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, आर्क्स ऑफ सर्कल। हम यह मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा की प्रारंभिक प्रक्रिया का ज्ञान है। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS वर्जन 11.10, GeoGebra वर्जन 3.2.47.0। हम निम्न GeoGebra टूल्स का उपयोग करेंगे: सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस, सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर बिटवीन टू पॉइंट्स, सर्कुलर आर्क विद सेंटर बिटवीन टू पॉइंट्स, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर लाइन। एक नई जियोजेब्रा विंडो खोलते हैं। डैश होम, मीडिया एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। टाइप के नीचे एजुकेशन और जियोजेब्रा चुनें। एक प्रमेय का वर्णन करते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को द्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र ए से जीवा बीसी पर लंब इसको द्विभाजित करता है। इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक्सेस के बजाय ग्रिड लेआउट का उपयोग करूंगी। ड्राइंग पैड पर राइट क्लिक करें। ग्राफिक व्यू में एक्सेस को अनचेक करें और ग्रिड सेलेक्ट करें। अब वृत्त बनाते हैं। टूलबार से सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस टूल चुनें। ड्राइंग पैड पर बिंदु ए मार्क करें। डायलॉग बॉक्स खुलता है। त्रिज्या के लिए वैल्यू 3 टाइप करें। ओके पर क्लिक करें। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और केंद्र ए का एक वृत्त बनाया गया है। बिंदु ए को मूव करें और वृत्त की गतिविधि देखें। सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स टूल चुनें। वृत्त की परिधि पर बिंदु बी और सी मार्क करें। जीवा बीसी बनी है। अब जीवा बीसी पर एक लंब खींचते हैं जो बिंदु ए से पास होता है। टूल बार में परपेंडिकुलर लाइन टूल पर क्लिक करें। जीवा बीसी और बिंदु ए पर क्लिक करें। बिंदु बी को मूव करें और देखें कि लंब कैसे बिंदु बी के साथ मूव करता है। लंब रेखा और जीवा बीसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंटरसेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें। प्रतिच्छेद बिंदु को डी मार्क करें। जांचें कि क्या डी जीवा बीसी का मध्य बिंदु है। डिस्टेंस टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं बी डी डी सी पर क्लिक करें। ध्यान दें कि दूरियां बीडी और डीसी बराबर हैं। इसका अर्थ है डी बीसी का मध्य बिंदु है। अब कोण सी डी ए को नापते हैं। एंगल टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं सी डी ए पर क्लिक करें। कोण सी डी ए 90 डिग्री है। प्रमेय सिद्ध हुई है। अब बिंदु सी को मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे दूरियां बिंदु सी के साथ मूव करती हैं। अब फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव एज पर क्लिक करें। मैं फाइल का नाम सर्कल कॉर्ड टाइप करती हूँ। सेव पर क्लिक करें। अब अगली प्रमेय पर जाते हैं। समान चाप द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं। समान चाप BC द्वारा बनाए गए कोण BDC और BEC बराबर हैं। प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब एक नई जियोजेब्रा विंडो खोलते हैं। फाइल न्यू पर क्लिक करें। अब एक वृत्त बनाते हैं। टूलबार से द सर्कल विद
सेंटर थ्रू पॉइंट टूल चुनें, केंद्र को बिंदु A मार्क करें और परिधि पर बिंदु B और C के लिए फिर से क्लिक करें। एक चाप BC बनाएं। सर्कुलर आर्क विद सेंटर बिटवीन टू पॉइंट्स पर क्लिक करें। A, B और C को परिधि पर क्लिक करें। चाप BC बना है। चाप BC की प्रकृति को बदलते हैं। एलजेब्रा व्यू में ऑब्जेक्ट D पर राइट क्लिक करें। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करें। कलर सेलेक्ट करें। हरा चुनें। क्लोज पर क्लिक करें। न्यू पॉइंट टूल पर क्लिक करें। वृत्त की परिधि पर D और E बिंदु मार्क करें। अब चाप BC से बिंदुओं D और E पर दो कोण बनाते हैं। पॉलीगन टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं E, B, D, C और चित्र पूरा करने के लिए फिर से E पर क्लिक करें। अब कोण BDC और BEC को नापते हैं। एंगल टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं B, D, C और B, E, C पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि कोण BDC और BEC बराबर हैं। अब अगली प्रमेय का वर्णन करते हैं। एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण समान चाप पर बने कोण का दुगुना होता है। चाप BC द्वारा केंद्र A पर बना कोण समान चाप पर बने कोण BEC और BDC का दुगुना है। प्रमेय को सिद्ध करते हैं। वृत्तखंड ABC बनाते हैं। सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर बिटवीन टू पॉइंट्स टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं A, B, C पर क्लिक करें। वृत्तखंड ABC के रंग को बदलते हैं। वृत्तखंड ABC पर राइट क्लिक करें। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करें। कलर में हरा रंग चुनें। क्लोज पर क्लिक करें। कोण BAC को नापते हैं। एंगल टूल पर क्लिक करें। बिंदुओं B, A, C पर क्लिक करें। कोण BAC, कोणों BEC और BDC का दुगुना है। बिंदु C को मूव करते हैं। ध्यान दें कोण BAC हमेशा कोणों BEC और BDC का दुगुना होता है। अतः प्रमेय सिद्ध हुई है। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सिद्ध करना सीखा। केंद्र से जीवा पर लंब इसको द्विभाजित करता है। समान चाप से बनाए गए कोण बराबर होते हैं। वृत्त के केंद्र का कोण समान चाप पर बने कोण का दुगुना होता है। एक नियत कार्य की तरह मैं सिद्ध करना चाहती हूँ कि बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त बनाएं। सेगमेंट विद गिवन लेंथ फ्रॉम पॉइंट टूल सेलेक्ट करें। बराबर नाप की दो जीवा बनाकर इसका प्रयोग करें। केंद्र से जीवाओं पर लंब रेखाएं बनाएं। प्रतिच्छेद बिंदुओं को मार्क करें। लंब दूरियों को नापें। नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।